नमस्कार दोस्तों। दोस्तों किन्नरों से आप अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन किन्नरों की एक विशेष बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो किन्नरों से मांग कर अपने पास रख लेनी चाहिए। बड़ा अजीब लग रहा है ना? आपने देखा होगा किन्नर चौराहे पर, गली में, मोहल्लों में मांगते फिरते हैं। जब भी कोई उत्सव हमारे यहाँ होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, शादी होती है या कुछ भी फंक्शन होता है, तो किन्नर वहाँ पर आ जाते हैं मांगने के लिए। कुछ लोग तो उन्हें बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं और कुछ लोग उन्हें कुछ नहीं देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज है जो किन्नरों से मांग कर अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपके पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास धन की तंगी आ रही है और वो किन्नरों से एक रुपए का सिक्का लेकर अपने पास रख लेता है तो उसके पास पैसे की कमी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि किन्नरों की दुआएं काम आती हैं। किन्नरों की दुआ और बददुआ में बहुत दम है, इसलिए जाने अनजाने में भी किन्नरों की बददुआ ना लें। उनकी दुआओं से अपने जीवन को महकाने की कोशिश करें। उनको कुछ देने से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं आएगी। इसके बदले में जो हमें वो दुआ हमें देंगे वो हमारे बहुत काम आएगी। दुआ सीधी ईश्वर तक पहुंचती है, इसलिए जिंदगी में किसी की बद्दुआ मत लीजिए, हमेशा लोगों की दुआ लीजिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ये हमारे हर पौराणिक ग्रंथ, महात्मा और बड़े विद्वान ने हमें कहा है। इसमें बहुत बड़ी बरकत होती है, इसलिए आज के बाद जब भी किन्नर मिले उन्हें मांगने का मौका ही मत दीजिए। अपने पर्स से कुछ ना कुछ निकाल कर उन्हें दीजिए। अगर आर्थिक तंगी है तो उनसे एक रुपया मांग लीजिए, मांगकर अपने पर्स में रखकर देखिए। इस प्रैक्टिकल को अगर करेंगे तो जीवन में बहुत खुश रहेंगे, पैसे की कभी तंगी नहीं होगी। कभी भी अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उनसे इज्जत से पेश आए, उनकी बद्दुआ ना लें। उनकी बद्दुआ सीधे सीधे असर डालती है। बद्दुआ तो किसी की भी ना लें, बड़े बुजुर्ग हमें यही समझाते थे। आशा है मेरी आज की ये जानकारी लेकर आप किन्नरों का सम्मान करेंगे। किन्नरों का सम्मान करके देखिए, उनकी दुआओं में जान होती है। इसलिए पुराने लोग बच्चा पैदा होने के बाद किन्नरों के चरणों में रख देते थे। किन्नर उन्हें गोद में खिलाते थे, बहुत आशीर्वाद देते थे, बच्चे के जीवन के संकट कट जाते थे। आज का आधुनिक युग में हमने उन्हें हंसी का पात्र बना दिया है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। ये बहुत बड़ी जानकारी है, जीवन में बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप करके देखिए, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा और आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।